ये सवाल एक और है कि अगर कोई मुसलमान लड़का हो और गैर मुस्लिम लड़की हो और दोनों में मोहब्बत हो जाए और मुसलमान हो जाए लड़की, तो क्या दोनों का निकाह सही हो जाएगा? हाँ, अगर वो ईमान ले आई है तो अब उस सूरत में जो है उससे निकाह जो है हो सकता है। अगर वालिदैन राजी ना हो, हाँ? इस रिश्ते से वालिदैन राजी ना हो, माँ बाप किसके, लड़के के, लड़के के भी या लड़की के, उससे तो मतलब है कि सियाते निकाह पर कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन यह है कि वालिदैन को जो है राजी करना चाहिए लड़के को। इसमें ये सूरत निकल जाती है कि कभी माँ नाराज होती है रिश्ते से और बाप राजी होता है, तो इसमें इताअत किसकी होगा? बाप चाह रहा कि हो जाए मुनासिब रिश्ता है, माँ किसी वजह से नाराज है, इसमें बाप का मर्तबा चूंकि जो है वो ज्यादा है, लिहाजा भी सूरत में जो है बाप का हुक्म जो है मुकद्दम होगा माँ के हुक्म पर। लेकिन यह है कि माँ को भी राजी करने की कोशिश करे, और यह जायज़ नहीं है कि बाप की वजह से जो है माँ को नाराज़ कर दे, या मतलब कि उसकी नाराज़गी को हल्का जाने, उसको भी राजी करने की कोशिश करे, और उसे झगड़ा वगैरह करना जायज़ नहीं है, न नमाज़ से न बाप से।